90 के दशक में इतवारी के सराफा ओली में दुकान के सामने बैठकर गहने पॉलिश करने का काम करने वाला आंबेकर आज 200 करोड़ रुपए का मालिक है। उसकी चल अचल संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था पैसा कमाना। इसके लिए आंबेकर ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। शायद ही ऐसा कोई बुरा काम होगा जो उसने नहीं किया होगा। नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म हो या अपने लिए खतरा बन रहे अपराधियों की हत्या हो, वह इतना शातिर है कि अपने करीबी लोगों को घात पहुंचाने में भी जरा सी देरी नहीं करता। अपने नाम की ब्रांडिंग करके आंबेकर ने लोगों से धोखाधड़ी की, धमका कर फिरौती वसूलता रहा। अपने ऊपर दर्ज मामलों को मैनेज करने में वह सामदाम दंड भेद लगा देता था, लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरना ही था। आखिर शहर पुलिस ने उस पर ऐसा शिकंजा कस दिया कि वह खून के आंसू रोने पर मजबूर है। कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। इस काम में आंबेकर का साथ देने वाले हर शख्स पर पुलिस शिकंजा कसती जा रही है। पुलिस उसके डेढ़ दर्जन खातों की जांच कर रही है। इसके अलावा अलग अलग लोगों के नाम पर खरीदी गई 109 संपत्तियों के दस्तावेज भी खंगाली जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अब तक कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति तो आंबेकर के पास है। जांच में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आंबेकर पर मामले दर्ज करने के साथ साथ पुलिस ने उसके संपर्क में रहने वाले हर शख्स की सूची तैयार की है। इस आधार पर आंबेकर और उससे जुड़े लोगों द्वारा खरीदी गई संपत्ति का भी लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। पुलिस ने महानगर पालिका, सिटी कर्वे, NIT और रजिस्टर ऑफिस से आंबेकर और उससे जुड़े लोगों की 100 से ज्यादा संपत्तियों की जानकारी मांगी है। करीब 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी में संतोष द्वारा ही बोगस तरीके से ले जाने की जानकारी सामने आई है। किसी समय छोटे से प्लॉट पर कवेली के झोपड़े में रहने वाला आंबेकर अब जिस बंगले में रहता है वैसा बंगला पूरे इतवारी परिसर में रही है। आसपास रहने वाले लोगों की जमीन हत्या कर उसने अपना पापों का महल खड़ा किया है। जल्दी इस पर भी गाज गिरने वाली है। यह बंगला भी नियमानुसार नहीं बनाया गया है। अपार्टमेंट की तरह उसका बंगला भी जल्दी ढह सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।